भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव भोटाना में बुधवार को हुए हादसे के बाद राजकीय उच्च विद्यालय में हुए हादसे की जांच करने विद्यालय परिसर पहुंची चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने छात्राओं और स्कूल स्टाफ से हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए पूछताछ की। तो वही दोपहर के समय स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील राशन की भी जाँच की। आपको बता दें कि बुधवार को दोपहर के समय भोटाना के राजकीय उच्च विद्यालय के चौथी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की स्कूल में आधी छुट्टी के वक्त मुख्य द्वार पर लगे लोहे के गेट गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक छात्र के पिता के बयान पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ 304A के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी छानबीन को लेकर व अन्य सुविधाओं को लेकर सूचना के आधार पर आज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने दौरा किया। इस मौके पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर डॉक्टर आरती ने बताया कि बुधवार दोपहर को स्कूली छात्र पर मुख्य द्वार पर लगे लोहे का गेट गिरने से मौत के कारणों का पता लगाने को लेकर आज यहां चाइल्ड वेलफेयर की कमेटी की पूरी टीम ने सूचना के आधार पर दौरा किया है और बुधवार को हुए स्कूली हादसे के पीछे वजह जानने की कोशिशें की जा रही हैं। बुधवार को हुए हादसे को लेकर जांच पड़ताल के बाद जो फैसला होगा उसके अनुसार कदम उठाए जाएंगे। डॉक्टर आरती CWC मेंबर तो वहीं भोटाना के राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र रोहित ने बताया कि बुधवार दोपहर को ये हादसा हुआ है और स्कूल टाइम में दोपहर के समय छात्र आधी छुट्टी में घर जा रहा था। विद्यालय के मुख्य द्वार पर लगे लोहे के गेट पर झूलते हुए गेट गिरने से ये हादसा हुआ है। आसपास हुआ था हादसा और हम रिसेस में घर जा रहे थे और तब ये गेट पे झूल रहे थे और झूलते समय गेट पहले से ही टूटा हुआ था और चार जने थे ये और टूटते ही तीन भाग गए और एक बच गया और वो दब गया और उसकी चोट लग गई और चोट लगने से बाद थोड़ी देर बाद उसका बीमारी से तो हमारी पूरी टीम आई हुई है। हमारे पास एप्लीकेशन गई हुई थी ये जो बच्चे के साथ जो हादसा हुआ है गेट गिरने से जो बच्चे की मौत हुई है तो हम इसलिए विजिट पे आए हुए हैं देखने कैसे क्या हुआ है। आगे चलकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे जो ये हादसा हुआ है देखते हैं। अभी तो छानबीन हो रही है, पूछताछ हो रही है कि ये गेट अचानक ही गिरा है या पहले ही इसकी ऐसी कंडीशन हो चुकी थी, किसी को पता था नहीं पता था वो तो आगे की बात है।